नई सुबह के YouTube चैनल को विजिट करने का शुक्रिया। मजीद मालूमाती मवाद के लिए सब्सक्राइब कीजिए हमारा YouTube चैनल या विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट www.naisubha.org naisubha.org। अस्सलामुअलैकुम। नई सुबह एंड्रॉयड लर्निंग पॉडकास्ट में खुश आमदीन। मैं हूँ मरियम असद और इस पॉडकास्ट में हम सीखेंगे होम स्क्रीन लेआउट के बारे में। होम स्क्रीन क्या होती है? होम स्क्रीन किसी भी मोबाइल फ़ोन में शो होने वाली फर्स्ट स्क्रीन को कहा जाता है। जिस तरह कंप्यूटर में शो होने वाली फर्स्ट स्क्रीन को डेस्कटॉप कहा जाता है, इसी तरह मोबाइल फोन्स में शो होने वाली फर्स्ट स्क्रीन को होम स्क्रीन कहा जाता है। एंड्रॉयड फ़ोन में होम स्क्रीन को तीन हिस्सों में डिवाइड किया जाता है। नंबर 1 स्टेटस बार, नंबर 2 एप्स एरिया, नंबर 3 मेन्यू बार। स्टेटस बार, एप्स एरिया, मेन्यू बार। स्टेटस बार टॉप राइट से टॉप लेफ्ट की तरफ माइक के नीचे हाफ इंच के एरिया पर मौजूद होता है। स्टेटस बार में हम टाइम, बैटरी, फ़ोन सिग्नल, वाईफाई सिग्नल और मुख्तलिफ एप्लीकेशन की नोटिफिकेशन देख सकते हैं। दूसरा हिस्सा होता है एप्स एरिया का। एप्स एरिया स्टेटस बार से नीचे वाला हिस्सा होता है जिसमें मुख्तलिफ एप्लीकेशंस जो इंस्टॉल की गई हों या बाय डिफ़ॉल्ट मोबाइल फ़ोन में मौजूद हों शो होती हैं। एप्स एरिया का व्यू इस तरह आ रहा होता है कि हर रॉ में 3-3 या 4-4 एप्लीकेशंस मौजूद होती हैं। एक रॉ में 4, फिर दूसरी रॉ में 4, फिर तीसरी रॉ में 4, इसी तरह चौथी रॉ में 4। इस तरह हर रॉ में 3 या 4 या 5, ये मोबाइल पर डिपेंड करता है। हर मोबाइल में मुख्तलिफ व्यू आ रहा होता है। किसी में 3 एप्लीकेशंस होती हैं, किसी में 4 एप्लीकेशन, किसी में 5 एप्लीकेशन एक रॉ में शो हो रही होती हैं। होम स्क्रीन के हर पेज पर मुख्तलिफ एप्लीकेशंस मौजूद होती हैं। जब एक पेज पर एप्लीकेशंस की जगह ख़त्म हो जाए तो एप्लीकेशंस पेज नंबर 2 पर चली जाती हैं। यानी कि होम स्क्रीन के पेज नंबर 1 के ख़त्म हो जाने पर हम पेज नंबर 2 पर आ जाएंगे और अगर पेज 2 भी ख़त्म हो जाए तो पेज 3 पर आ जाएंगे। इसके बाद हमारे पास तीसरा हिस्सा है मेन्यू बार। मेन्यू बार एंड्रॉयड फ़ोन में होम बटन, ओवरव्यू और बैक बटन, इन बटन्स के ऊपर वाला हिस्सा होता है जो कि स्टेटस बार से थोड़ा ज़्यादा एरिया पर मौजूद होता है। मेन्यू बार में एप्स बटन, जिसमें मुख्तलिफ मेन्यूज शो होते हैं। एप्स बटन के बाद मैसेज, फ़ोन, कॉन्टैक्ट्स, कैमरा, क्रोम, ये सब ऑप्शंस मेन्यू बार में शो हो रहे होते हैं। ये वो ऑप्शंस हैं जो ज़्यादा इस्तेमाल में आते हैं, यानी कि फ़ोन, मैसेज, मेन्यू बार जो एप्स बटन से ओपन होता है और क्रोम या कैमरा। स्टेटस बार और मेन्यू बार की ख़ास बात ये है कि स्टेटस बार और मेन्यू बार हर होम स्क्रीन के पेज पर मौजूद होता है। यानी कि अगर हम पेज 1 पर हैं तो पेज 1 पर भी स्टेटस बार और मेन्यू बार वही रहेगा। पेज 2 पर हैं, पेज 3 पर हैं या किसी भी पेज पर हैं तो मेन्यू बार और स्टेटस बार वही रहेगा, जबकि एप्स एरिया चेंज होता रहेगा। क्योंकि अगर पेज 1 पर एप्लीकेशंस की जगह ख़त्म हो गई है तो पेज 2 पर दूसरी एप्लीकेशंस होंगी। अगर पेज 2 पर जगह ख़त्म हो गई है तो पेज 3 पर मुख्तलिफ एप्लीकेशंस होंगी। तो ये था आज का
पॉडकास्ट। यकीनन आपको समझ आया होगा। अब आपसे मुलाकात होगी दोबारा किसी पॉडकास्ट में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। ये मालूमाती मवाद नई सुबह की जानिब से पेश किया गया। अपनी आरा के इजहार के लिए कमेंट कीजिए या डिस्क्रिप्शन में दिए गए रास्ते के जराए इस्तेमाल कीजिए।